ट्रायल के भी कई वर्जन थे एजाज साहब, मजमूई तौर पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके तहत जो होने वाली कार्रवाई वो पहले दिन से ओपन होनी चाहिए थी या सिक्योरिटी कंसर्न्स का नाम लेके जिसको इस तरह से इसको सीक्रेट रखा गया, इन कैमरा रखा गया, अभी कहीं ये जो टेक्निकलिटी है जिसकी जुनैरा बात करें इस टेक्निकल पॉइंट पे हाई कोर्ट से रिलीफ तो नहीं मिल जाएगा? देखिए ये क्या इन कैमरा ट्रायल होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी ये तो कोर्ट के ऊपर मुनसर है कि वो क्या करना चाहता है, किस तरह इस ट्रायल को आगे लेके चलना चाहता है। अगर तो कोर्ट की नज़र में उस वक्त ये मुनासिब था कि जी इसके ऊपर सीक्रेट एक्ट लगता है और सीक्रेट दस्तावेजात हैं और इसको जितना हम इन कैमरा रखें उतना बेहतर होगा, सो दैट इज़ वन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट दैट कैन विच इज़ फाइन। हाउएवर इसके अंदर जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है दैट्स लैक ऑफ प्रोसीजर, द फेलियर टू फॉलो द प्रोसीजर स्टिपुलेटेड इन द PPC। अब अगर वो टाइमलाइंस के हिसाब से देखें तो जिस तरह एविडेंसेस और विटनेसेस अपने आके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा रहे हैं और जिस तरह उनकी जरा हो रही है और जो डिफेंस काउंसिल है डिफेंस काउंसिल की इजाजत नहीं, अगर आप कुछ ना भी बोलें सिर्फ मुस्कुराएं तब भी मैं समझ जाऊंगा जी। मैं एक पॉइंट सिर्फ मैं ऐड करता चलूं कि मैं भी हसनैन साहब से हसनैन भाई से वी वर डिस्कसिंग बैक स्टेज के कल के रोज में 18 विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन हुए हैं। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। I think it should be. That's maximum. At least that's the best we can do. Speedy justice is what we require in the country right now. That's the best we can do. I'm proud of it. It's a marathon justice. नहीं, मुझे ये बताएं बैरिस्टर साहब, चौधरी साहब, कि this is what we were मतलब you were expecting कि ये 10 साल या कुछ था कि अभी इसमें मतलब इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। I know you take bets like your friend. जो ट्विटर पे बेट्स लेते हैं उनकी तरह। देखिए बात ये, इट्स नॉट अबाउट मी टेकिंग बेट्स, द इशू इज समथिंग एल्स। सजा जितनी भी होती, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था दैट दे हैड टू बी डिटरेंट फैक्टर। कहीं ना कहीं तो चीज़ें आकर रुकती ना, जातियात पे आप सियासत करेंगे तो मुल्क को दाव पे ना लगाए ना कहीं तो आकर रुके, कहीं तो कोई कदगन हो, कहीं आके तो आप पे कोई बंदिश हो कि भाई वी कांट, एक चलते फिरते आपके फॉरेन रिलेशनशिप एक मुल्क के साथ चल रहे हो और उसके बाद आपको पता भी आप फैक्टर से लेके IMF तक वहाँ फंसे हैं, उसके बाद वहीं जाके ऐसा मसला लेना एंड देन आप वो यू नो ऐसे नारों की तरफ आ जाना कि हम उनके बगैर चल लेंगे, तो दैट इज़ अ ड्रीम फॉर फेच। लेकिन कहीं तो कोई आपकी, अब आप ऑफिशियल सेक्टर एक्ट की बात करें तो लगता है नहीं लगता अरे साहब इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा, वो लगता है वो लहरा रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी कह दिया आई एम सो सॉरी फॉर द लास्ट थिंग कि मेरे से गुम गया, मेरे ऑफिस में था, इट शुडंट हैव बीन एट योर ऑफिस। इसमें मसला लहराने का या इसमें मसला गुम हो जाने का? दोनों। इसमें मसला ये है कि उन्होंने उसके कंपोनेंट्स को आउट कर दिया। देखें दोनों का, देखें देयर आर थ्री थिंग्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके जितनी भी मवाद था बाहर नहीं हो सकता, नंबर दो वो वहां लहराने के लिए नहीं था, वहां लेके नहीं जा सकते थे, नंबर तीन वो आपके ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जब जज साहब ने एक सवाल पूछा जिसपे काफी ज्यादा उनके ऊपर की भी जा रही कि सिर्फ एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा वो कहाँ है, तो अगर उस वक्त भी कह देते कि मेरे पास नहीं है मुझे नहीं पता, तो दैट इज समथिंग एल्स। अगला सवाल आता आपसे पूछा वो लेटर कहाँ और आपके मेरे दफ्तर में था पता नहीं कहाँ गया, सो दैट एंड्स द इट्स एन ओपन शॉट केस।